हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 17 के लिए लाइव वॉलपेपर्स की टॉप बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है iOS 17 के अपडेट में, क्योंकि लाइव वॉलपेपर्स का जो ऑप्शन है iOS 17 के अपडेट में फिर से बैक आ चुका है आपके आईफोन्स के लिए, और आप लाइव वॉलपेपर्स को यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कस्टम वॉलपेपर मैंने सेट कर रखा है जो कि लाइव वॉलपेपर है। जैसे ही मैं अपने डिवाइस को लॉक करूँगा, आपको यहाँ पर बहुत ही कूल सी एनिमेशन देखने को मिलेगी। ये एक मूविंग वॉलपेपर है, तो कुछ इस तरह से आप फिर से इसकी एनिमेशन चेक कर सकते हो, जो कि आपको इस तरह की देखने को मिलेगी। आप कैसे ये सेव कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन में, ये कस्टम लाइव वॉलपेपर्स। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर को ओपन करना है, सर्च बार के ऊपर टैप करो और यहाँ पर आपको वॉलपेपर नाउ को यहाँ पर आपने सर्च करना है। वॉलपेपर्स नाउ के ऊपर टैप करो तो सबसे पहली एप्लीकेशन को आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। रेटिंग इस एप्लीकेशन की काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये आपको लोडिंग शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइव इज़ बैक, आपको यहाँ पर लाइव इज़ बैक के ऊपर टैप करना है और आपके सामने ये लाइव वॉलपेपर्स ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कुछ फ्री वॉलपेपर्स की, कुछ पेड वॉलपेपर्स की। यहाँ पर आपको पेड वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं और फ्री वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं। इस एप्लीकेशन में से आप फ्री वॉलपेपर्स को सेव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टैप करना है, जहाँ पर आपको ये क्रिस्टल का लोगो देखने को मिल रहा है। उसके लिए आपको इसकी प्रीमियम मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी। तो जिनके ऊपर आपको ये लोगो देखने को नहीं मिल रहा है, उन वॉलपेपर्स को आप इजीली सेव कर सकते हो। जैसे कि ये एक वॉलपेपर है, यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हो। अगर आपको इसे सेव करना है तो सिंपली आपको ये सेव के बटन के ऊपर टैप करना है, और आपको इसे ओपन फोटोज़ के ऊपर टैप कर देना है, और आपकी जो फ़ोटो है लाइव वॉलपेपर वो यहाँ पर सेव हो जाता है। आपको इसे अप्लाई करने के लिए सिंपली शेयर के बटन पर टैप करना है और यूज़ एज वॉलपेपर के ऊपर टैप करो, और यहाँ पर आपको लोडिंग शो करेगा। जब तक ये लोडिंग यहाँ पर फिनिश नहीं हो जाती, तब तक ये वॉलपेपर सेट नहीं होगा आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर। अभी ये डिसेबल बता रहा है, तो आपको इसे सिंपली एक सिंगल टैप करना है और आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर ये लाइव वॉलपेपर सेटअप हो जाएगा। आपको इसे ऐड के ऊपर टैप करके सेट एज वॉलपेपर पेयर के ऊपर टैप कर देना है, जिसके साथ अब आप इसकी एनिमेशन चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से आप लाइव वॉलपेपर्स को सेव कर सकते हो अपने फोटोज़ की एप्लीकेशन में iOS 17 के इस नए अपडेट में इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो बहुत से और नए नए वॉलपेपर्स आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो फ्री हैं उन्हीं को ही आपने यहाँ पर सेव करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और भी वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये भी बहुत ही बढ़िया है। इसको आप लॉन्ग टैप करोगे तो आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो, इसे भी आप सेव करके इसे ओपन कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन में और सेट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये एप्लीकेशन? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।